हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली असरफी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमेजिंग इंस्पायर न्यूज़, और जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया था फ़िलहाल कुछ टाइम पहले। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो जैसे आप नोटिफिकेशन को अगर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट कोई भी मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक ये है कि हमारा जो नेट होता है, तो नेट हम जब चलाते हैं जियो, ख़ास तौर पर सिर्फ जियो यूज़र के लिए ये टॉपिक है। और जब हम नेट चलाते हैं तो हमारा मोबाइल का नेट नहीं चलता है, जियो में दिक्कतें आजकल बहुत आती है। तो उसकी इंक्रीज़ कैसे करें, हाउ टू इंक्रीज़ स्पीड बगैर किसी VPN, बगैर किसी एप्लीकेशन या बगैर किसी भी चीज़ के, मतलब कोई भी चीज़ बगैर उसके डाउनलोड के, आप कैसे स्पीड को अपनी बेहतर बना सकते हैं। तो स्पीड बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने अपडेट किया और इसकी स्पीड हम चेक करते हैं तो स्पीड नहीं आ रही है। और स्पीड जब ना आए तो आपको करना क्या है फ़िलहाल, तो आपको कोई भी एक टेम्परेरी नंबर पे कॉल कर लेना है। जैसे मैंने एक कस्टमर केयर कॉल पे नंबर कर लिया, जरूरी है कि आपको कस्टमर केयर कॉल ही पे नंबर करना है। आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद स्पीड आप चेक करें। अब यहाँ पे स्पीड आप देख सकते हैं, ऊपर स्पीड इंक्रीज़ हो गई है। और मैक्सिमम जो यहाँ हमारे एरिया में जो स्पीड आती है वो फ़िलहाल दिन में करीब 1 Mbps तक जाती है। तो फ़िलहाल अभी कुछ भी स्पीड नहीं आ रही है, तो स्पीड आप देख सकते हैं कि स्पीड अब आने लगी है। और जैसे ही आप कॉल कट कर देंगे तो फिर स्पीड लो हो जाएगी। आप ऊपर स्पीड देख रहे हैं 1.5 Mbps शो कर रही है, जैसे आप ऊपर आप सबसे टॉप पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल की जियो यूज़र की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अदर अगर एयरटेल वोडा अगर आप यूज़ करेंगे, उसमें अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल तो चलेगी, नेट कट जाएगा। आप किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में या घर में या फैमिली में किसी भी, बस कॉल को आपको काटना नहीं है, कॉल को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद देन आपको जो भी बफरिंग करना है या डाउनलोड करना है आप आराम से कर सकते हैं। अपडेट करिए, कुछ भी करिए, और आपके नेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था मेरा टॉपिक, और हम बहुत जल्द मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका अगर नेट ना चले और नेट की इंक्रीज़ करनी हो। जैसे कि याला भी टॉपिक था कि नेट इंक्रीज़ करने से रिलेटेड, मगर उसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अगर आपका नेट ना चले और बगैर एयरप्लेन मोड पे करके आप कैसे नेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉपिक ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपने इसको ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया, और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।